अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने गिरानियन के प्लांट्स को रिपॉट करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। ये वाले गिरानियन हैं और हमारे यहाँ सीजनल हैं, लेकिन ये कि पूरा समर्स, ये तकरीबन पूरा समर्स लेके अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ये थ्रू आउट ब्लूम करते हैं, लेकिन इनको रेगुलर फिर फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। वो कोई सा भी दे सकते हैं, लाइक बनाना पील वाटर और वंस इन अ वीक, और या फिर NPK लिक्विड NPK और कोई सी भी और भी ऑर्गेनिक। लेकिन अगर रेगुलर करते रहें और इनको ये चीज़ जो होती है ना, ब्लूम करने के बाद ये पूरे स्टॉक को, जैसे ये है, जब पूरा ब्लूम हो जाए तो इसको यहाँ से पिंच कर दें, तो उससे भी ये होता है कि और ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। ये ज़रूरी होता है। मैं इसको फिर पूरा यहाँ से नीचे से पकड़ के तो उसको मैं पिंच करती रहती हूँ। और इनको सनी स्पॉट चाहिए होता है थ्रू आउट सन, लाइक मेरे जहाँ मैं रखूँगी अपनी, इनको तकरीबन वहाँ 7 से 8 घंटे सन मतलब इनको मिलता है, तो ये फुली ब्लूम करते हैं। और बाकी चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। मैंने इनको इस तरह, इसमें ये ब्लू जो फ्लावर जो बास्केट है, इसमें इनको रीपॉट करना है। तो मैंने पहले से इसको रीपॉट करने का तरीका ये होता है कि आप पहले से सॉइल डाल लें। मैंने इसमें पॉटिंग मिक्स डाली है, और सॉइल डालने के बाद फिर ये आसान हो जाता है कि आप बस निकालते जाएँ पॉट में से और उनको एडजस्ट करते जाएँ। चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो इसके लिए एक और ये टिप है कि जब जैसे मैं इसको लगाने लगी हूँ, जो भी येलो लीव्स हैं ये इनको आप फ़ौरन रिमूव कर दें, अभी भी लगाते हुए भी और सीज़न के अंदर भी। जैसे आप येलो लीव्स देखें उससे कोई नुकसान नहीं होता, ऐसे इनको उतारते जाएं, और नीचे से अगर कोई भी ब्राउन हो रहे हैं तो वो उतार के डिस्कार्ड कर दें, तो फिर ये वैसे ही इतना अच्छा ग्रो करता है। और उसके अलावा अब ये तरीका ये है कि देखिए, मैंने इसमें पॉटिंग सॉइल डाल ली है। मैं इसको अंदाजन पॉट के हिसाब से इसमें थोड़ी सी जगह बनाऊँगी, और फिर इसमें निकालने का क्या तरीका है कि इसको यूँ दबा के थोड़ा सा सारी साइडों से दबा लें पॉट को, और ये देखें नीचे रूट्स आई हुई हैं, और थोड़ा सा ऐसे नीचे से भी पुश कर लें, तो ये बहुत आसानी से पूरे का पूरा प्लांट निकल आता है। अब जारी बात, मैं एक हाथ से कर रही हूँ, ये देखें इसकी कितनी अच्छी रूट ग्रो हुई हुई है। और तो मैंने इसके अंदर 3 लगाने, क्योंकि मैंने थोड़े बड़े प्लांट्स लिए इस तरह। ये मैं पॉट साइड पर कर दूँगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी ये इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये सॉइल साइड में, यहाँ से थोड़ी सी और इसके लिए जगह बनाऊँगी। थोड़ी सी और फिर ये काफ़ी है, बाकी थोड़ी सी बाद में ऐड करूँगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ऐसे झुका के लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बास्केट ये विंडो पे आएगी, तो वो थोड़ा सा ऐसे है ताकि आगे की तरफ थोड़े से नज़र आए। अब इसी सॉइल को मैं साइडों पे स्प्रे करती जाऊंगी। बाकी ग्रानियन इनको रेगुलरली वाटर चाहिए होता है, और जितने भी फ्लावरिंग नॉर्मली प्लांट्स हैं उनको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और वो रेगुलरली मौसम के हिसाब से पानी देंगे, रेगुलर फर्टिलाइज़ करना है, रेगुलर पिंच करना है जितने भी हो जाएंगे। और उसके अलावा तो फिर ये पूरा समर्स चलते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ सारे लगा के। मैंने सारे पॉट से निकाल के, ये देखें अभी मिट्टी नहीं डाली, अभी निकालें ये रखा है, और अब इनके अंदर मिट्टी डाल दूँगी, जहाँ जहाँ जगह है वो फिल कर दूँगी, और उसके बाद एंड में अच्छी तरह पानी देना है। पानी इतना ज़्यादा देना कि बिल्कुल मिट्टी गीली हो जाए, क्योंकि उससे प्लांट शॉक में नहीं आता और वो ज़रूरी होता है।